वीवो आईपीएल अब कहलाएगा टाटा आईपीएल। खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय गया। जी हाँ, आईपीएल ने चाइनीज माल की स्पॉन्सरशिप के ठप्पे को टाटा कर दिया है। 2022 यानी इस साल से आईपीएल वीवो आईपीएल नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा टाटा आईपीएल, देश का आईपीएल। सॉरी, ये देश का आईपीएल वाली जो टैगलाइन है ना, वो मैंने खुद ही टाटा नमक की टैगलाइन से चुराकर यहां पर लगा दी। पर बड़ी बात ये है कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अब ये तय कर लिया है कि अगले 2 साल के लिए कम से कम आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा को मिल गई है। अब जब से ये न्यूज आई है, काफी अफवाह और र्यूमर्स भी मार्केट में उड़ रहे हैं, जिनका मैं नालायक पत्रकार खंडन करना चाहता हूं। तो अफवाह नंबर 1, कई लोग कह रहे हैं कि टाटा आईपीएल में टाटा नमक हराम ऑफ द डे का अवार्ड भी होगा, जो मैच में सबसे घटिया खेल दिखाने वाले खिलाड़ी को दिया जाएगा। तो ये अफवाह बिल्कुल भी सच नहीं है। मैंने अपने सोर्सेस से बात की है और ऐसा कोई टाटा नमक हराम ऑफ द डे का अवार्ड देने का कोई भी प्लान या योजना नहीं है। तो ये अफवाह सरासर गलत है। अफवाह नंबर 2, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस स्पॉन्सरशिप डील के पीछे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हाथ है, क्योंकि वो हर साल कहते हैं कि ई साला कप नाम दे और फिर कप को दूर से ही टाटा करके निकल जाते हैं। लेकिन भैया, ये र्यूमर भी बिल्कुल र्यूमर ही है और इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है। नंबर 3, DRS का नाम बदलकर TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कर दिया जाएगा। नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये अफवाह बिल्कुल झूठी है। इनफैक्ट TCS में जॉब करने वालों को अगर ये लग रहा है कि अब उन्हें फ्री IPL की टिकट्स मिलने वाली हैं, तो ये भी र्यूमर ही है। मैंने इस बारे में भी अपने सोर्सेस से बात करी और उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि TCS वालों को इंक्रीमेंट ढंग से नहीं देते, टिकट तो बहुत दूर की बात है। वैसे ये सब बातें बताने के चक्कर में मैं ये बात तो आपको बताना ही भूल गया कि वीवो ने आईपीएल की स्पॉन्सरशिप से एग्जिट क्यों किया। वीवो ने 2017 में 2199 करोड़ की 5 साल के लिए आईपीएल टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स जीते थे, जिसमें उन्हें हर साल लगभग 440 करोड़ खर्च करने थे। वीवो के हिसाब से यह उनके लिए फायदे का सौदा नहीं था, और इंडिया चाइना की रिलेशनशिप और बीच बीच में बॉयकॉट चाइना, मतलब ऐसी वाली बातें, उनके ब्रांड के लिए फायदे का सौदा नहीं हो रही थी, इसलिए वो इस बिजनेस से टाटा करना चाहते थे। और BCCI को जैसे ही एक एबल, और एबल क्या, बहुत ही केपेबल रिप्लेसमेंट मिला, उन्होंने टाटा को हेलो कर दिया। आपको BCCI का ये डिसीजन कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी टाटा आईपीएल सुनने में कैसा लगता है, ये बात भी आप हमको जरूर बताना। और सच सच बताइए, वैसे ये टाटा नमक हराम ऑफ द डे, जो ये जो अवार्ड की जो हमने बात करी है, ये सुनने में बढ़िया लग रहा है ना? ऐसा होना चाहिए ना? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये भी बात आप कमेंट्स में जरूर लिखना। जो भी हो आपका जवाब, कमेंट सेक्शन में दिल की बातें लिख देना बेहिसाब। मेरा नाम है चयन रस्तोगी और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @चयनरस्तोगी पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल @ABP Uncut को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, तो भैया हमारे जो वीडियोस हैं उनको फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब कुछ करिए, और देखते रहिए अनकट।